दोस्तों मेरे पास है सैमसंग का S10 5G जो कि 2020 का मॉडल है। तकरीबन 2 से 2.5 साल पुराना मॉडल है ये, और ज़ाहिर है 2 साल चलने के बाद इसमें बैटरी का थोड़ा सा इशू तो आता है बैटरी टाइमिंग के हिसाब से। इसमें एक क्वाड HD का डिस्प्ले दिया गया है, 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 60Hz पर काम करता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि इसकी बैटरी बैकअप को आप किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी बैटरी टाइमिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों छोटी सेटिंग बताऊंगा जिससे आपकी आप जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों आपने आ जाना सेटिंग्स में, सबसे पहले आपने इसकी रेजोल्यूशन चेक करनी है। डिस्प्ले में आ जाइए, यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वाड HD पे है ये, इसको आप फुल HD पे कर देंगे या HD+ पे कर देंगे तो सबसे बेटर है। इससे आपको रियल लाइफ में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इतना खास कोई डिस्प्ले में कोई फ़र्क आ गया है। एक्चुअली ये VR यूज़ करते हैं ना, उसके लिए होते हैं ये पिक्सल। आप इसको 720+ पे रख देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी बैटरी। दूसरी सेटिंग ये है दोस्तों, आप आ जाएंगे इसके सेटिंग्स में नेटवर्क में। अगर आप इंटरनेट या डेटा यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने 3G ऑटो और LTE पे लगा रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट पे आता है इस तरह 5G LTE या 3G पे। तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है LTE ऑटो पे ताकि 5G का सपोर्ट मिले नहीं इसको, ये बार बार वरना स्कैन करता है 5G पे। इससे भी आपकी बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। इसकी ब्राइटनेस दोस्तों आप हमेशा ऑटो पे रखिए, ऑटो पे रखेंगे तो इसकी बैटरी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपको। जैसे आप डे लाइट में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। और दोस्तों अगर इसका आप पावर सेविंग मोड ऑन कर लेते हैं, वायरलेस चार्जिंग का है ऑप्शन, यहाँ पर आप बैग पे से कोई भी चीज़ रख के चार्ज कर सकते हैं, वॉच हो गई जैसे या फ़ोन हो गया, इस तरह का पावर सेविंग ऑन हो गया। दोस्तों ये सारी सेटिंग करने के बाद दोस्तों अगर आप पावर सेविंग ऑन कर लेंगे तो आपकी बैटरी और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। और ख्याल कीजिए दोस्तों अगर आप बहुत सारी देखें, आपने जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मिनिमाइज़ पर काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं, तो आप जब भी फ़ोन को लॉक करके रखें तो ये सारी एप्लीकेशनें क्लोज कर दें ताकि मिनिमाइज़ पे आपके प्रोसेसर या बैटरी को कंज्यूम ना करें। दोस्तों छोटी छोटी ये ट्रिक्स हैं जो जिससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।